केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। एक महिला की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर एसएचएल थाना क्षेत्र के 12 नंबर गुमटी के पास की रहने वाली मंजू देवी का शव उसके घर में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। वही मृतका की माँ का कहना है की उनकी बेटी की हत्या उसके पति संजय कुमार भगत के द्वारा की गई है। मृतका की शादी पूर्णिया के रहने वाले संजय कुमार भगत के साथ 2017 में हुई थी। मृतका की मां का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी और दामाद को पूर्णिया में रहने नहीं देते थे और वहां से लड़ाई झगड़ा कर भगा दिया करते थे, जिसके कारण से बेटी और दामाद को ये लोग यहीं रखते थे और दोनों के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा रहता था। और आज भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें संजय भगत खुद कह रहा है कि उसने पत्नी को पीटा था और वह अपनी बहन के घर के लिए निकल गया था। वहीं उससे पता चला कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है, जिसके बाद वह ससुराल पहुंचा। वहीं मृतका की मां का आरोप लगा रही है कि दामाद के द्वारा ही बेटी की हत्या की गई है और वह हत्या करने के बाद बिना किसी को कुछ बोले वहां से चला गया। आइए देखते हैं भागलपुर से हमारे संवाददाता श्याम नंदन सिंह की यह रिपोर्ट। कोनो झगड़ा नहीं हुआ सर, हम जा रहे थे बहन के यहाँ, गुस्सा में निकले हैं, उधर उछल गई। जब हम बाहर गए तो यहाँ फोन किया ये लोग, हम गुस्सा में, हम फोन नहीं उठाए, हमको भी फोन किया था, हम फोन नहीं उठाए, तो ये लोग फोन किया होगा शायद दीदी को, वहाँ से फोन आया। झगड़ा हुआ था? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। फांसी लगाने का कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ, फांसी लगाने का कोई कारण नहीं है सर, यही बताइए। उसके मन में क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था सर? आप पति है तो आप नहीं जानिएगा? की जानबे हमें ओकरा में, हमें की जानबे? हम बहन के यहाँ जा रही, बैठा ले तखनी दीदी से बात कर लिए। राजी खुशी से ना, हम साथ हैं, हमसे भी ना पूछिएगा। क्या है सही बात? आरोप लगा रहा है तो हम जाने के लिए तैयार हैं जेल। नहीं थे हम उस समय। क्या झगड़ा हुआ था आपके जाने के पहले? जाने के पहले बता बती हुआ था हमको वाइफ से, ऐसे बहन के यहाँ जा रहे तो मना करने लगे कि हम भी जाएंगे, तो हम मना किए, उसमें एक थप्पड़ भी मारे हम उसको, उसके बाद हम चले गए। उसी को समय मर गए वो? उस समय चले गए तो उस समय तो घर में थी। अच्छा। फिर फोन आया हमको बहन के यहाँ से, ऐसे ऐसे हो गया, मम्मी फोन कर रही थी, हम गुस्सा से नहीं उठाए फोन। हम गुस्सा से फोन नहीं उठाए। नाम क्या है आपका? संजय कुमार भगत। घर? खैरुगंज साधु स्थान पूर्णिया। वहाँ भी मारपीट होता था? नहीं, वहाँ मारपीट नहीं करते थे, वहाँ सास पुतो में नहीं बनता था, वो अलग बात है सर, लेकिन मारपीट नहीं होता था, वही खाना खर्चा में यही कारण, और क्या कारण था? काम करते थे सर, कुछ दिन से बीमार पड़ गए थे हम सर। क्या चीज काम करते थे? टोटो भी चलाते थे सर, उससे पहले पैथोलॉजी में काम करते थे। बेटी का मारा, दामाद मेरा यहाँ रह के, यहाँ रखते थे, सब चीज पूर्ति करते थे दोनों का, यही दिन देखने का बाबू था हमरे पास, जो रखने का यही ना हुआ। दामाद का नाम हुआ संजय भगत। अब हमको क्या पता सर, झगड़ा लड़ाई किया कि क्या, कि हम पर अभी टोला आदमी है, काम करने निकल गए, मेरा हस्बैंड बीमारी आदमी, वो गया चौक पे सब्जी उब्जी लेने, आ इधर बच्चों सब कोई नहीं था, दोनों पढ़ने लिखने वाला छोटा छोटा बच्चा सब निकल गया पढ़ने के लिए। अभी दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ सर हम नहीं देखे, हम रहते अभी हुआ है 3:30-4 के लगभग में। शादी का हुआ? शादी तो हो गया, कब शादी हुआ है? 2017 में किया था। कहाँ हुआ शादी? पूर्णिया। वहाँ नहीं पटे? वहाँ कभी पटवे नहीं, जा यहाँ से तो वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके बेटो का पुतहुओ को भगा दे, बेटो का पुतहुओ भगा दे, यहाँ नहीं छे सर कोई नहीं, हम बच्चे सब नहीं कहे छे, बच्चा सब छे आरो हमरा दुल्हा जे छे सब जिल गए, हम प्राइवेट काम करी छे तो काम करे ले गेलिए, एगो बच्चा ए उल बच्चा छे आरो उ दोनों छे तीनों, यही तीन गो रहे। क्या नाम था उनका? प्रीति देवी। लड़का कते का? लड़का का संजय भगत। आपका नाम? मंजू देवी। क्या लगता है कि दमादे मार दिया? दमादे तब क्या मारेगा सर, बताइए, लड़ाई झगड़ा हुआ तो वही ना, आखिर विषय कौन विषय से, आदमी मरता अपने आप तो नहीं मरता है। दाग भी छे कहीं पर? हाँ, गला में दाग छे, ठीक है, अपने आप तो नहीं मरेगा आदमी, किसी को शौक है? लड़ाई झगड़ा करके कहता है फसरी लगा लिया था दुपट्टा बांध के। रूम में तो पूरा सामान तो भर लो, कैसे? हाँ, तो वो कुर्सी पर देखे ना जाके, कुर्सी है, कुर्सी लगा करके तब किया है ऐसा काम। मंजू देवी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।